साथियों, दो दिन से आप लोग यहाँ विरोध की सिनेमा के विस्तार और उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर मंथन कर रहे हैं और नौवें बरस के सफ़र में एक जो आकर जो एक अस्थायित्व तो हम लोगों ने ग्रहण किया है, इसकी चुनौतियाँ और इसकी आगे की जो कठिनाई है और सबसे आप रूबरू हुए, आप सब लोग जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी नई टीम, नई एग्जीक्यूटिव है, ये कम से कम भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक अपना अध्याय जोड़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में इसी तरह की पहलकदमियाँ अंतर नोट की जाती, क्योंकि ये कोई बाजार के लिए हो रहा प्रयास नहीं, ये कोई सत्ता की संस्कृति के विस्तार के लिए हो रहा प्रयास नहीं, बल्कि ये दुनिया भर में जो बदलाव की लड़ाइयाँ चल रही, एक बेहतर समाज बनाने की, एक मनुष्यता आधारित समाज बनाने की, ये दरअसल उसमें आपकी कोशिश है, ये आपकी आपका ये उसी का एक पार्ट है। तो इसलिए यह काम उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह कोई एक जन आंदोलन, और ये हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी जनता और जनता की कसौटी ही हमारे ऊपर रखा है। सिर्फ वे लोग जिनको ज़रूरत है नए समाज की, जो एक बराबरी का समाज बनाने का सपना देखते हैं, उनकी आंखों में एक अच्छा भविष्य बुलाता है। दरअसल हम उसी के पार्ट हैं, हमारे भी आंखों में सपना है और उस सपने के लिए हम लोग इस काम में लगे हुए। तो इसलिए जो सारी बातें यहाँ साफ हुई कि हमको किससे, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन, हम लोगों ने अच्छी तरीके से अपने इस पूरे मुहिम के लिए, अपने इस पूरे अभियान के लिए, इस पूरे आंदोलन के लिए और इस पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको कहा जाए, अपने दोस्तों और दुश्मनों की ढंग से पहचान की है। और किसी भी लड़ाई में अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई तो फिर उस लड़ाई को आगे बढ़ने से और जीतने से कोई रोक सकता है क्या? तो मैं आप लोगों के इस दो दिन के इस मगजमारी और इस मंथन के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो कारवां है, इस साल 13 का है, 13 का है ना, 13 फेस्टिवल शो है, हाँ, नौवां वर्ष नहीं, 13 का कारवां फेस्टिवल, 13 13 चैप्टर होगा। तो ये चैप्टर बढ़ जाएंगे और कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम लोग को फेस्टिवल वेस्टिवल करने की जरूरत नहीं, रोज कहीं कहीं कोई स्क्रीनिंग होगी, फेस्टिवल क्या जरूरत है, सिर्फ कन्वेंशन की जरूरत होगी, कन्वेंशन हम लोग बढ़ा देंगे फेस्टिवल की तो जरूरत इसलिए हो पड़ रही है कि भाई हम लोग की स्क्रीनिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। जिस दिन हमारे पास रोज एक स्क्रीनिंग होगी किसी कवि को लेके, किसी फिल्मकार को लेके, किसी फिल्म को लेके, और जहाँ पता ये चलेगा कि 2 बजे कहीं हाटा में लोग अपना स्क्रीन लगाए, किसी स्कूल के हाल में इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो सुकरौली में लोग फिल्म दिखा के सईद मिर्जा के साथ आ रहे हैं और वहाँ जुटे हुए हैं 1000 लोग, तो हम लोग का तो सपना यहाँ तक है कि आओ रोको, हाल नहीं दोगे मत दो, लाइसेंस मांगोगे मांगते रहो, हम तो ट्रेवल करेंगे और कहीं ना कहीं हम दिखा देंगे। तो जो बटवीट ब्रेक्स का नुक्कड़ नाटक वाला स्टाइल है वो आएगा समय, वो आने वाला है समय, और हम लोग उस प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना पड़ेगा और धीरे धीरे हम लोग के लिए फेस्टिवल बेमतलब हो जाए जब हम लोग रोज के प्रयासों में निकलेंगे।
बस आप बस गाने से करिए गाने से। हाँ भाई गला वाला बहुत गड़बड़ है। अरे बड़े कलाकार कैसे होता है। और नेपाली में उसको आती वाती नहीं है लेकिन ठीक है वो जो लाइन बस वो है। हाँ नेपाली ही कहते हैं उसे। मिक्स का जमाना मिक्स। गांव गांव से उठो बस्ती बस्ती से उठो। गांव गांव से उठो बस्ती बस्ती से उठो। इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। गांव गांव बट उठ बस्ती बस्ती बट उठ। गांव गांव बट उठ बस्ती बस्ती बट उठ। यो देश को मोहाल फिर न लाई उठो। यो देश को मोहाल फिर न लाई उठ। आत्म जिसके हथियार हो हथियार लेके उठो। बाजा बजा न जानने वालों बाजा लिए उठो। हाथ में जिसके हथियार हो हथियार लिए उठो। बाजा बजा न जानने वालों बाजा लिए उठो। गांव गांव से उठो बस्ती बस्ती से उठो। गांव गांव से उठो बस्ती बस्ती से उठो। इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। आत्म जिसके कलम हो कलम लिए उठो। पास में जिसके कुछ भी न हो आवाज लिए उठो। गांव गांव से उठो बस्ती बस्ती से उठो। गांव गांव से उठो बस्ती बस्ती से उठो। इस देश की सूरत बदलने के लिए